ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। चाचा भतीजे की लड़ाई में अब सुलह की गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म हो गई है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जिस तरीके से पार्टी में टूट के बाद से अदावत हुई, उसके बाद से अब कहीं से भी सुलह के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और बीते दिन आपने देखा कि पशुपति पारस ने भी एक इंटरव्यू में खुल करके कह दिया था कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि सुलह करने का जो वक्त था वो निकल चुका है, तो अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या चाचा भतीजे में जो ये लड़ाई है, क्या रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी में जो टूट हुआ है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो अदावत शुरू हुई, क्या इसकी वजह बीजेपी है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठाया है आरजेडी ने। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और चिराग पासवान को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है उनका मकसद ही यही है कि बिहार में जितने भी उनके छोटे क्षेत्रीय दल हैं उसको तोड़ करके हटाएं और फिर बिहार में वो अकेले राज करें। और इसी में उन्होंने नाम लिया है चिराग पासवान की पार्टी का, जिसके बाद शक्ति यादव ने ये कहा कि चिराग पासवान और उनके चाचा में लड़ाई लगवाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। शक्ति यादव क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए। पार्टी को छत छत करके भाजपा स्वयं नेतृत्व करे बिहार में सरकार का, और पूरी तैयारी चल रही है। जदयू को कई टुकड़ों में बदलने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शराब तो एक बहाना है, असल बिहार की सरकार को टेक ओवर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ने में लगी है, चिराग जी की पार्टी को अब चचा भतीजा लड़ाई लगाएगा, अब चचा को फिर से गुलदस्ता दे रहे हैं गृह मंत्री। पूरी बात तो लोगों को समझ ही में आ रही है। बता दें कि शक्ति यादव जीतन राम मांझी के बयान पर बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बीते दिन शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठाए और कहीं ना इशारों में ये इशारा कर दिया कि अब शराबबंदी कानून जो है वो किसी काम की नहीं रह गई है बिहार में, इसे खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। और इसी बयान को कोट करते हुए शक्ति यादव बयान दे रहे थे, तभी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि बीजेपी जितने भी क्षेत्रीय दल है, वो चाहे जेडीयू हो या फिर रामविलास पासवान की पार्टी हो, इन तमाम दलों को खत्म करके खुद ही यहाँ पर शासन करना चाहती है। और इसी बीच आरजेडी ने अब ये आरोप लगाया है कि चाचा भतीजे की लड़ाई भी कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से ही है। आपको बता दें कि बीते दिन भी आपने देखा कि किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो पशुपति पारस को दरकिनार करके बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना, लेकिन बीते कुछ वक्त से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अब चिराग पासवान के बगावती तेवर को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना प्लान बी तैयार किया है, और वो प्लान भी है पशुपति पारस। पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। और पशुपति पारस के अमित शाह से मुलाकात के बाद ही चिराग पासवान ने फिर जाकर के अमित शाह से, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आ रही है कि पशुपति पारस को बीजेपी अब अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। पशुपति पारस को कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है और इसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में लगेगी। जब चिराग पासवान ज्यादा बगावती सुर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी पशुपति पारस के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि उनके पास प्लान बी तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।